छोड़िए न कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते, और कुछ नहीं कर सकते, समझ गए ना। बिहार में दो सीटों के लिए हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तल्खी अब परवान पर जा चुकी है। चुनाव में मतदाताओं को अपनी तरफ करने के लिए दिग्गज नेता लगातार बयान दे रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लाल प्रसाद यादव के बयान से बिहार में नया सियासी भूचाल आ चुका है। नीतीश कुमार लालू के बयान पर इमोशनल कार्ड खेल गए, और इन सब के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज अपनी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दो चुनावों के बाद लालू यादव आज पहली बार चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे। वो तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों विधानसभा क्षेत्रों में एक एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लालू यादव का चुनावी कार्यक्रम बिल्कुल संक्षिप्त रखा गया है। चुनावी दौरे पर निकलने से पहले लालू यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए सरकार और नीतीश कुमार के विसर्जन के लिए आए हैं। लालू के इस बयान को लेकर मंगलवार को दिन भर सियासत गर्म रही। मंगलवार की शाम चुनाव प्रचार करने के बाद वापस लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि लालू यादव मुझे गोली ही मरवा दे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। नीतीश कुमार ने अपने इस बयान से चुनावी माहौल में इमोशनल कार्ड खेला है। सियासी जानकार मानते हैं कि नीतीश अपने इस बयान से लोगों को जंगल राज की याद दिलवा गए। नीतीश कुमार के इमोशनल कार्ड के बाद अब तक लालू यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि लालू आज जब चुनावी जनसभा करेंगे तो वहीं पर नीतीश कुमार को वो जवाब देंगे। ऐसे में सभी को लालू यादव की चुनावी रैली का बेसब्री से इंतजार है। तारापुर और कुशेश्वर विधानसभा के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार कल यानी 28 अक्टूबर को थम जाएगा। नीतीश कुमार ने लगातार दो दिनों तक इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जनसभाओं को संबोधित किया है। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। बट को चाहे जहां काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। उनके साथ बीजेपी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ चुनाव अभियान में नजर आई है। हालांकि बात करें महागठबंधन की तो इस उपचुनाव में महागठबंधन बिखर चुका है। लालू यादव भले ही कांग्रेस को अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकजुटता की दूरी बता रहे हो, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि उनका आरजेडी से अब कोई गठबंधन नहीं है।